और हमें भरोसा है कि सारे देश में से 545 ईमानदार लोग हमें मिलेंगे संसद में जाने के, क्योंकि अभी भी इस देश में ईमानदारी समाप्त नहीं हुई है, वो जीवित है। ये ठीक है कि ईमानदारी दबी हुई है लेकिन समाप्त नहीं हुई। हो सकता है कि हम 545 को ढूंढने के लिए निकलें और हमको 5000 मिल जाएं, 10000 मिल जाएं, 15000 मिल जाएं। तो हमारी तैयारी है कि ईमानदार लोगों को ढूंढ ढूंढ के संसद में भेजेंगे, विधानसभाओं में भेजेंगे और लोगों को एक ही अपील करेंगे कि इनको इसलिए भेजना है कि 110 लाख करोड़ वापस लाना है, इनको इसलिए भेजना है कि अंग्रेजों की सरकार से लड़ाई लड़के 300 लाख करोड़ वापस लाना, तो लोग मदद करेंगे हमारे और लोग उनको चुनकर भेजेंगे, नई संसद बनेगी, नई विधानसभाएं बनेगी, नई लीडरशिप आएगी और वो इस काम को करके जाएगी। उसके अलावा भी हमने पास तीसरा एक रास्ता है, सुप्रीम कोर्ट की मदद से हम ये काम कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक बार एक मुकदमा हुआ था, आपको मैं पुरानी याद दिलाता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने यूरिया घोटाले का एक मुकदमा सुना था, जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे तो यूरिया घोटाला हुआ था, 133 करोड़ रुपए पेमेंट हुआ, यूरिया नहीं आया, आपको मालूम है। सुप्रीम कोर्ट में केस गया तो उन्होंने फैसला दिया कि 133 कोटी रुपए देश की राष्ट्रीय संपत्ति है, वो जिसके भी खाते में है वो भारत में वापस आना चाहिए। तो सीबीआई ये जजमेंट की कॉपी लेके स्विट्जरलैंड गई, खाता ट्रेस हुआ तो पता चला नरसिम्हा राव के बेटे के खाते में वो पैसा जमा था। सीबीआई ने उसको गिरफ्तार किया और भारत की जेल में लाकर बंद किया और आज भी वो जेल में है। उसके पिता तो स्वर्गवासी हो गए, नरसिम्हा राव का बेटा जेल में है और जो खाते में पैसा जमा था वो खाता जब्त हुआ, 133 कोटी रुपए वापस आया और हमारे सुप्रीम कोर्ट के खजाने में आ गया। अब हम सुप्रीम कोर्ट में जो कहना चाहते हैं वो ये कि यूरिया घोटाले का पैसा अगर वापस आ सकता है तो चारा घोटाले का भी आ सकता है, बोफोर्स घोटाले का आ सकता है, सब घोटालों का पैसा आ सकता है। घोटाला घोटाला सब एक, पैसा पैसा सब एक, वो भी आ सकता है।